गुड मॉर्निंग 9th क्लास बेटे, हम सेकेंड लेसन पढ़ रहे थे, आज उसे कंटिन्यू करते हैं। विशेष कम ट्रू लेसन का नाम है बेटा। देखें बेटा, इफ आई गेट माई चाइल्डहुड बैक, अगर मुझे अपना बचपन वापस मिल जाए, आई वुड शट माई सेल्फ इन माई रूम, अब मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लूँगा एंड स्टडी क्वाइटली ऑल डे, तो मैं जो है वो सारा दिन पढ़ूंगा। बट आफ्टर गेटिंग हिज चाइल्डहुड, पर अपना बचपन वापस पाने के बाद, ही वुड नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। सुशील वुड आस्क हिम इन द मॉर्निंग, सुशील उनसे अक्सर सुबह पूछता, बाबा वॉन्ट यू गो टू स्कूल, बाबा आप स्कूल नहीं जा रहे। सुबल वुड स्क्रैच हिज हेड, स्क्रैच होता है बेटे खुजलाना, वो अपने सिर को खुजलाता। लोअर हिज आइज, अपनी आंखें नीचे करता एंड से और कहता, I have got tummy ache, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। I can't go to school, मैं स्कूल नहीं जा रहा। सुशील would grow angry at this, सुशील इससे गुस्से हो जाता। वो can't you, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। I also had lot of tummy aches in my as my in days, जब बहुत मेरे स्कूल के दिन थे तब मुझे भी बहुत बार पेट में दर्द हुआ था। When it was my time to go to school, जब स्कूल जाने का समय होता। I know your tricks, मैं आपकी जो ट्रिक्स हैं गेम्स हैं वो मैं जानता हूँ। सुशील बिगेन सेंडिंग हिज लिटिल फादर टू स्कूल बाय फोर्स, सुशील ने अपने छोटे पिता को स्कूल ज़बरदस्ती भेजना शुरू कर दिया। ऑन रिटर्निंग होम, घर वापस जब वो आ जाते, सुबल वांटेड टू रन अबाउट एंड प्ले, सुबल क्या चाहते, खेलना और भागना। बट एट दैट टाइम, पर उस समय, ओल्ड सुबल वांटेड टू पुट ऑन हिज ग्लासेस, जो सुशील था वो अपनी ग्लासेस पहनता, मतलब पहन के डालता, एंड रीड अलाउड फ्रॉम द रामायणा इन अ सिंग सॉन्ग वॉइस, रामायण पढ़ना शुरू कर देते, अलाउड मतलब ऊंची आवाज में, और उसे गाना शुरू कर देते, सिंग सॉन्ग वॉइस बेटा गाना शुरू कर देते रामायण को। सुबल्स नॉइसी गेम्स डिस्टर्ब हिम, सुबल की जो शोर मचाने वाली गेम्स थी उसे परेशान करती। सो ही वुड मेक सुबल सिट डाउन विद हिज स्लेट एंड डू सम, इसलिए वो सुबल को क्या करते, बिठा देते स्लेट देकर और उसे सम्स डाल देते, मतलब सवाल डाल देते। There were such long sums, वो बहुत लंबे sums होते, that his father took a whole hour to do a little single one, इतने लंबे sum होते कि उसके पिता को एक घंटा लगता उन सवालों को करने में। In the evening, शाम को, a group of old men gathered in Sushil's rooms to play chess, एक बूढ़े आदमियों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता सुशील के कमरे में चेस खेलने के लिए। To keep Subal quiet at that time, तो उस समय सुबल को चुप कराने के लिए, सुशील हायर्ड अ ट्यूटर, सुशील ने उसके लिए एक ट्यूटर हायर्ड मतलब रख लिया था। ट्यूटर होता है बेटा जो घर आके ट्यूशन पढ़ा देते हैं। हु है कैप्ट सुबल बिजी टिल 10 at night, जो सुबल को रात के 10 बजे तक बिजी रखता। ओल्ड सुशील टू गॉट इन टू ऑल काइंड ऑफ ट्रबल, जो बूढ़ा सुशील था अब वो भी बहुत सारी मुसीबतों में घिर गया था। नथिंग ही हैड लाइक ऐसा चाइल्ड अग्रीड विद हिम एनी लोंगर, कुछ भी नहीं था मतलब उसे वो पसंद नहीं था जो बच्चों को पसंद लगता, अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ही यूज टू टेक अ डिप इन द पॉन्ड, वो पॉन्ड में मतलब सरोवर में एक डुबकी लगाना चाहते थे, मतलब लगाता था रोज ही। ऑन डूइंग इट नाउ, लेकिन अब वो अगर ऐसे करता, ही जॉइंट्स ग्रू स्टिफ, उसके जो जॉइंट्स थे वो अकड़ जाते एंड सोलन और सूज जाते। एंड ही गॉट रूमेटिज्म, मतलब ये गठिए की प्रॉब्लम होती है बेटे, जोड़ों की बीमारी का नाम है, उसे वो हो जाती। दैट टू 6 months टू क्योर, जिसे ठीक होने में 6 महीने लग जाते। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही बाथ वंस एवरी 2 days, वो 2 दिनों में एक बार नहाने लगा विद वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ। एंड डिड नॉट लेट सुबल बाथ इन अ पोंड इधर, और फिर सुबल को भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो पोंड में जाकर जो नहा ले। If he jumped out of bed, अगर वो बेड से जंप करता, as he had done as a child, वो जब करता था जब वो बच्चा था, all his bones would ache, उसकी सारी हड्डियाँ दर्द करने लगती। No sooner did he put a pan into his mouth, अब वो अपने मुँह में पान भी नहीं डाल सकता था, then he found, जब वो डालता मतलब जब वो ऐसा करता था उसे पता चलता, ही हैड नो टीथ टू च्यू इट विद, च्यू होता चबाना, कि उसके दांत ही नहीं है चबाने के लिए। बाय चांस अचानक, ही टुक अप अ कॉम्ब, अगर कॉम मतलब कंगी उठा लेता, ही वुड बी रिमाइंडेड, उसे याद आता दैट ही हैड नो हेयर लेफ्ट, कि अब उसके सिर पर बाल भी नहीं है।